हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वो अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है अनलॉक टूल के ऊपर। अनलॉक टूल वालों ने बहुत अच्छा अपडेट दिया गया है, तो ये वीडियो मैं अभी आप लोगों के सामने दे रहा हूँ और फुल डिटेल के साथ मैं दूंगा। सबसे पहले चीज़ की कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है और क्या अपडेट है, वो सारा चीज़ मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट गाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले हम अनलॉक टूल डॉट नेट आप लिखोगे तो अनलॉक टूल डॉट नेट के साइड में आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे अगर आप आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके इसके अपडेट्स के बारे में सारा कुछ यहीं पे पता चल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो चलिए फिलहाल तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पे मैं जाता हूँ। डाउनलोड पे जाने के बाद ये कैसे प्रोसीजर है, अनलॉक टूल डॉट नेट आप लिखोगे तो आप इसके सीधे यहाँ पे पहुंच जाओगे गाइस। तो और चलिए इसकी बात करते हैं। तो चलिए इसके अपडेट की बात करते हैं। तो अभी जो इसका वर्जन चल रहा है 2021.10.261, ये इसका वर्जन चल रहा है फ्रेंड। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अपडेट हुआ है। और चलिए ये 26 आज हमारा जो अपडेट है वो है हमारा आज का ही है। आज हमारा है 26, तो आप देख सकते हैं 26 का ही अपडेट है। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। तो देखिए इन्होंने अपडेट क्या किया है यहाँ पे, विदाउट डाटा लॉस सबसे बड़ी चीज़ है फ्रेंड। मैं आपको बता दूँ, फ्लैश और विदाउट डाटा लॉस इन्होंने फैक्ट्री इरेज यहाँ पे डाला है। विदाउट डाटा लॉस ओप्पो Reno4, Reno5, Reno6, ओप्पो A77, ओप्पो 77T आप ये देख सकते हैं, और नोकिया के 30 सीरीज CPU। मीडियाटेक से रिलेटेड इन्होंने ऐड किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो नोकिया 105, TA010, 010, ये इतने 30+ मॉडल यहाँ पे ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, और LG के भी और इन्फिनिक्स के भी कुछ मॉडल, और यहाँ पे बहुत सारे मॉडल यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने किए हुए हैं। तो चलिए फटाफट इसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं। सीधा आपको आना है यहाँ पे डाउनलोड पे, और यहाँ पे आप कर लोगे। ये तीन सोर्सेज है, मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव इसलिए यूज चूज करता हूँ कि आपको यहाँ पे फाइल जो है बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है, इसलिए गूगल ड्राइव। बाकी आप यहाँ पे गूगल ड्राइव डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा डाउनलोड नाउ पे भी क्लिक कर देंगे तो भी आपका डाउनलोड होना बहुत ईजिली तरीके से हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी 27 सेकेंड के अंदर हमारी ये जो फाइल है वो हमारी कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगी। तो इसीलिए मैं फ्रेंड अपने वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या अपडेट था वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की कि यहाँ पे विदाउट डाटा लॉस बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पे, मतलब बड़ी बात तो ठीक है क्योंकि टूल है, पैड है, पैसे वर्जन है तो चलेंगे ही चलेंगे। स्पेक्ट्रम और मीडियाटेक सीपीयू यहाँ पे नोकिया के 30+ फोन ऐड हुए हैं गाइस, और यहाँ पे अनलॉक टूल डॉट नेट बहुत ही अच्छा टूल अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो फिलहाल चलिए हमारा टूल हो चुका है डाउनलोड, अब हम चलते हैं इसके लोकेशन पे। अब यहाँ पे सीधे हम करते हैं यहाँ पे डबल क्लिक। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तो ये टूल आपका खुलेगा, नहीं तो आपको ये टूल नहीं खुलेगा। चलिए यहाँ पे भी हम कर देते हैं मिनिमाइज। तो अब थोड़ा सा करते हैं वेट और हमारा ये खुल जाएगा टूल, और यहाँ पे जो इसका अपडेट है बहुत अच्छा अपडेट है और ये सारी चीज़ें, अभी ये हमारा टूल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये ना कि कोई डोंगल से चलता है, कोई अगर कोई भी नया देख रहा है इस फील्ड में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको हमेशा करेंटली मिलते रहेंगे। तो ये देख रहे हैं इन्होंने बता दिया कि अभी कुछ कमेंट आ रहे थे हमारे सब्सक्राइबर या हमारे स्टूडेंट्स के कि सर हमारा लॉगिंग नहीं हो रहा है, बार बार अपडेट हो रहा है। तो भाई जा करके आप न्यू वर्जन को डाउनलोड करो, ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो और उसके बाद करो, ऑटो अपडेट के चक्कर में ना पड़िए। आप ऐसा करिए, अगर आप ऑटो अपडेट के चक्कर में टाइम भी लग जाता है कभी कभी तो आप सीधा साइड में जाइए और बहुत इजी तरीके से उसका दोबारा नया सेटअप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने वही किया, मैंने उसको पुराना वर्जन भी था मैंने उसको यूज़ नहीं किया, मैंने वहाँ पे जो भी अभी का वर्जन था मैंने यूज़ कर लिया है गाइस। और ये बस मेरा इतना ही अपडेट था, छोटा सा अपडेट था, बिग अपडेट अनलॉक टूल के बारे में। कैसे उसको मैंने बताया कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको क्या क्या अपडेट आया, मेन अपडेट तो बिग अपडेट यहाँ पे भी था। अब देखिए जैसे ही हमारा टूल का इंटरफेस खुल गया है तो ये सारी अपडेट आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। तो ये मिला है फ्रेंड ओप्पो Reno3, Reno4, Reno5, Reno6 के वेरियंट में। तो चलिए फटाफट चलते हैं ओप्पो में जो इनका अपडेट है तो देख लेते हैं। ओप्पो में जाने के बाद अभी हम देखिए पूरा टैब है, मैं अभी बात करूंगा थोड़ी सी क्योंकि हर वीडियो में करता हूं तो थोड़ी सी यहाँ भी कर लूंगा। तो चलिए ओप्पो के सीधे Reno6 ओप्पो का मॉडल ही साइड सीधा डाल देते हैं। ओप्पो Reno6, ये मैंने 6 को प्रेस कर दिया।
तो देखिए यहाँ पे हमारा रेनो 6 आ गया, यहाँ पे 5G है, 4G भी है, ब्रॉन है, ईडीएल मतलब यहाँ पे क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन, और यहाँ पे लगा हुआ है MTK का लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा रेनो 6 Z 5G है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको सेफ फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्रॉन, यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट और यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट ब्रॉन दिखाई दे रहा है। इससे आपका डाटा चला जाएगा, डाटा आपका नहीं बचेगा गाइस। ये जो फॉर्मेट आपका दिखाई दे रहा है सेव फॉर्मेट, आपको सेलेक्ट करना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। बस आपको सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। और रही बात डेमो, और यहाँ पे भी आप ओप्पो आईडी, जैसे ओप्पो आईडी लग जाती है तो भी आप उसको इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं कर देता हूँ स्टॉप। अब आपको फोन को सीधा कनेक्ट करना था फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 4 की बात करें या 5 की बात करें तो सेम प्रोसीजर है सारी चीज। तो हम यहाँ पे 5 को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, रेनो 5 5G। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ सेव फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आप यहाँ से इजी तरीके से गाइस विदाउट डाटा लॉस आप यहाँ पे अनलॉकिंग कर सकते हैं। बाकी उसके बाद अगर FRP रिमूव कर सकते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का आईडी लगता है तो आप आईडी रिमूव कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई डेमो है तो आप यहाँ से भी डेमो रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट टूल है, अभी का ये चल रहा है ट्रेंडिंग टूल जैसा कि आप जान सकते हो। और हम इसके थोड़ी सी फीचर्स और आप जान लो, बाकी MI, सैमसंग, हवावे, ओप्पो, वीवो, वी, मेजूस, टेक्नो, आसूस, LG, नोकिया, लेनोवो, क्वालकॉम, मेडियाटेक, एंड्रॉयड, एप्पल, और यहाँ पे इन्फिनिक्स और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की मैं बात करूँ क्योंकि मैंने काफी टाइम से इस टूल के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये बहुत अच्छा टैब हो गया। पहले केवल एक ही बटन आपको देखने को मिल रहा था फ्लैश का, पर यहाँ पे गाइज आपको अमेजिंग, यहाँ पे आप जैसे अगर हम बात करें सैमसंग की ले लें, या फिर सैमसंग तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम जेनरिक भी ले सकते हैं, बाकी कॉल पैड और आईटेल वाईटेल जो भी होते हैं यहाँ पे कीपैड वाले, या फिर जो भी मॉडल्स हैं, अब बहुत अच्छा दे दिया है कि आप अपना सीधा मॉडल सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सीधे FRP रेस का ऑप्शन आ गया। अगर कोई भी फोन आपका फॉर्मेट नहीं होता है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पैक फाइल को दे करके यहाँ पे फ्लैश भी कर सकते हैं और प्राइवेसी पासवर्ड को भी रिसेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट टूल अभी के डेट में, बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग। तो गाइज ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगा हो, बट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इसके जो अपडेट्स हैं, सारे अपडेट्स यहाँ पे अपने वेलकम पेज पे आप देख सकते थे कि वेलकम पेज में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो ये MI का पेज है, MI के भी फॉर्मवेयर आप बहुत इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो बताने के लिए तो मैंने और भी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, तो और आप हमारे वीडियो में जा करके देख सकते हो। पर आपने लास्ट दिन तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी फिलहाल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टूल। तो ये सारी चीजें काफी यहाँ पे बहुत बेटर से बेटर बनाती है यहाँ पे, चाहे वो स्पेशल टॉक्स हो, चाहे वो जेनरिक हो। यहाँ पे इसका कैसे हमने वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर कि कैसे आप यहाँ पे केजी लॉक को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।